हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर गुड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम ऑफ योर गुलमोहर बुक एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अवर क्लासरूम ओके हियर द पोएम आस्क अस टू लुक अराउंड एट डिफरेंट थिंग्स इन अवर क्लासरूम ये पोएम किसके बारे में है हमारे क्लासरूम के बारे में और हमें क्या कहा गया है कि हमें क्या करना है हमारे क्लासरूम में जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं थिंग्स है ऑब्जेक्ट है उन्हें हमें ध्यान से देखने को कहा गया है देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट देट है पार्ट सिमिलर टू अवर बॉडी पार्ट्स और हमें क्या बताया गया है इस पोयम में कि जो हमारे क्लासरूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके भी हमारे बॉडी पार्ट की तरह सिमिलर कुछ पार्ट्स होते हैं तो उन्हें कंपेरिजन हमें इस पोयम के अंदर दिया गया है ठीक है द पोयम यूजेज द वर्ड देट मीनिंग्स यहाँ पे पोयम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनके दो दो मीनिंग्स होते हैं एंड कैन बी यूज एज अ नेम ऑफ अवर पार्ट्स ऑफ बॉडी एज वेल एज पार्ट्स ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ठीक है उनमें से एक का मतलब तो क्या होता है अपनी बॉडी का पार्ट ठीक है और सेकंड का मतलब क्या होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जो निर्जीव चीजें होती है वस्तुएं होती जिनमें कोई जान नहीं होती उन उन्हें भी वही नाम से बुलाया जाता है सो लेट्स बिगिन द पोयम पोयम नंबर सिक्स अवर क्लासरूम द चेयर हैज आर्म्स इसको किससे कंपेयर किया है कि जो चेयर्स हैं उसके आर्म्स होते हैं मतलब कि जो उनके हाथे होते इस तरह हमारे आर्म्स होते हैं वैसे चेयर्स के आर्म्स को कंपैरिजन किया है ठीक है द क्लॉक है घड़ी का चेहरा भी होता है द काइट है लॉन्ग एंड टेल्स जो पतंग होती है उसकी एक लंबी और एक घुमावदार पूछ होती है द टैक्स हैव हेड्स जो पिन होते हैं टैक्स मीन्स होता है पिन ठीक है जो पिन हम यूज करते हैं शॉर्ट पिन उसके हैड्स होते हैं द बुक हैव स्पाइंस जो बुक्स होती है उसके स्पाइन होते हैं ओके सिमिलरली द बैक बोन इन अवर बॉडी द बुक ऑल्सो हैव अ स्पाइन द टूल बॉक्स हैज अट ऑफ नेल्स जो टूल बॉक्स होता है उसमें भी क्या होते हैं नेल्स होते हैं जिस तरह ह्यूमन के नेल्स होते हैं उसी तरह उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स बॉक्स में नेल्स होते हैं यानी कि इन हिंदी हम उसे कह सकते हैं स्क्रू या नीडल्स ओके टंग अवर शूज हैव टंग्स जिस तरह हमारे टंग होती है माउथ के अंदर उसी तरह शूज में भी टंग्स होते हैं द मार्बल्स आईज कंचे की तरह आंखें द वुडन डेस्क हैज लेग्स एंड सीट जो वुडन डेस्क होती है उसमें सीट होती है और लेग्स होते हैं द कप्स जो कप्स होते हैं उनके जो अपर पार्ट होते हैं उसको लिप कहते हैं ठीक है सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी पार्ट में होते हैं माई वॉच हैज हैंड्स घड़ी में कांटे होते हैं जिस तरह हमारे हाथ होते हैं घड़ी के कांटों को भी हम हैंड्स कहते हैं द क्लासरूम रूलर्स ऑल हैव फीट और जिस तरह हमारे फीट होते हैं पाउ नापते हैं उसी तरह जो क्लास रूम की रूलर होती है दैट मीन जो स्केल होती है उसमें भी किस तरह से मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर मीटर एंड फीट ओके हेड्स आर्म्स हैंड्स नेल्स लेग्स फीट टेल्स फेस लिप स्टंग्स आइज अ सरप्राइज वे कह रहे हैं ये सब सुनने में कितना अच्छा और अद्भुत है जो पोएट है इन इज अवर क्लास रूम अलाइक वे क्या कह रहे हैं क्या हमारा क्लास रूम ऐसा नहीं लगता कि पूरा जीता जागता है सो हियर इज द एंड ऑफ द पोयम होप यू अंडरस्टैंड द पोयम थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग